नमस्कार, मेरा नाम दीपाली गौतम है और मैं आज इन सब लोगों के साथ यहाँ पे वार्तालाप करने जा रही हूँ और मेरा विषय है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, यानी कि सेहत और शरीर की स्वच्छता। हम इस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं, तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगी कि अगर मेरी किसी चीज़ को आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, यदि आपको कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको अपने हेल्थ के बारे में इम्पोर्टेंस जो जिसे कहते हैं या फिर उपयोग जो शरीर का जो किस तरीके से कर सकते हैं वो आपको बताया जाएगा। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि शरीर की स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? जिस कदर हम अपना वातावरण शुद्ध रखते हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपना शरीर भी शुद्ध रखें। वो कैसे होगा कि जब हम अच्छा खाएंगे। आप यहाँ की गृहिणी हैं और आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना है, तो आप अपने बच्चे को किस तरीके का खाना खिलाती हैं या फिर आप परिवार चलाती हैं तो आप किस तरीके का खाना खिलाती हैं, ये सब आपके ही हाथों में है। तो ये ज़रूरी है कि आप किस तरीके का भोजन बच्चों को खिलाएं, बुजुर्गों को खिलाएं, अपने घर के बड़ों को खिलाएं, कि जिनके उनके शरीर की पवित्रता बनी रहे ताकि वो बीमारियों से दूर रहे। आज हर इंसान बीमारियों से घिरा है। आज हर इंसान जो है आप देखते हैं कि उसे कोई ना कोई बीमारी लगी है। ऐसा क्यों है कि भोजन में किसी चीज़ की कमी होना, तो वो किस तरीके से दूर कर सकते हैं वो मैं आपको माइलर यानी कि बाजरा, मैं आपको बाजरे का उपयोग बताऊंगी कि वो कैसे खा के आप अपने शरीर को तंदुरुस्त तो बना सकते हैं लेकिन बीमारियों से दूर रह सकते हैं। आप घर के बड़े हैं, आप ऐसा भोजन घर पे ला सकते हैं, आप घर की गृहिणी हैं, आप ऐसा भोजन बना सकते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये भोजन अगर इस्तेमाल किया जाए, बाजरा, ज्वार, ये सब इस्तेमाल किया जाए, तो क्यों नहीं हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा भोजन होता है जो इंसान की हर कमी को दूर करता है। इंसान की लंबी आयु क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अच्छा जो है हमारा वातावरण बने, हमारी जो पीढ़ियाँ हैं वो आगे बढ़े। जब खाना ही अच्छा नहीं होगा, बच्चे ही कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, तो कैसे उनकी आगे पीढ़ी बढ़ेगी? तो आप बाजरे का इस्तेमाल करें, जो इंग्लिश में माइलर कहते हैं, जो आपको किसी भी दुकान पे मिल जाएगा। बड़े खा सकते हैं, छोटे खा सकते हैं, माताएं खा सकती हैं, पिताजी खा सकते हैं, सब खा सकते हैं। किसी को जो है कोई जो है इसका कोई दुरुपयोग नहीं करता है। इसका आपके शरीर के लिए बहुत सूटेबल है, जो बहुत इम्पोर्टेंस है जो इसकी, वो अपनी डेली लाइफ में खुद अपने शरीर में महसूस करेंगे, वो स्वच्छता जो है वो महसूस करेंगे। तो मैं आप सबसे आज हम आपको मिलेट्स के बारे में बताएंगे। मिलेट्स क्या होते हैं, ये कैसी जगह पे उगाए जाते हैं और इनका क्या हमारे मतलब कि हम इसको कैसे यूज करते हैं, इसकी क्या क्या चीजें बनती हैं और ये कहाँ पे यूज होते हैं और इससे हमारे शरीर को क्या क्या चीजें बेनिफिट मिलते हैं, मतलब ये हमारे शरीर के लिए कैसे यूजफुल है। पहले आ गया मिलेट्स होते क्या। मिलेट्स होते हैं जैसे ये ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रेगी हो गई, ये क्या है? बाजरा। अब बाजरे से हम क्या क्या बनाते हैं? रोटी बनाते हैं और जानवरों को डालते हैं, और इसके जो घास वगैरह बचता है वो हम क्या करते हैं? जानवरों को डालते हैं। इसके जो बीज, ये सीड्स है ना, ये इसके बीज, इसको हम क्या करते हैं? ये हम पक्षियों को भी डालते हैं ना, ये पक्षियों को भी डालते हैं, उगाते हैं क्या दीवारा जे। और ये जो बाजरा है ये कौन सी जगह पे उगाया जाता है जहाँ पे पानी कम होता है? जैसे हमारे जेएनके में इधर हम अखनूर वाली साइड जाएंगे तो वहाँ पे पानी कम आ गए, तो उस साइड क्या होता है, ये वाली फसलें ज्यादा होती है, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया कि और ये है कि हमारी हेल्थ के लिए कैसे यूजफुल है, मतलब कि हमें ये कौन कौन सी बीमारियों से बचाते हैं। पहला है कि इसके अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फैब्रिक प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा खाना वो जल्दी से डाइजेस्ट होता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छे से काम करता है, मतलब हमें ये खाना पचाने में हेल्प करता है। दूसरा है कि इससे जो हमारे दिल की लिमिट में रहता है वो भी ज्यादा बढ़ पानी है, ठीक है। और इससे जो डिशेस बनती हैं वो है जैसे बाजरे की रोटी बनती है और इसका डोसा बनता है। ज्वार, बाजरा, आजकल तो बाजरे का यूज बड़ा कम हो गया है, लेकिन ये ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारे जो अनाज हैं ये बड़े ही बेनिफिशियल हैं हमारी हेल्थ के लिए। ये मतलब कि ये जो है एक
टाइप का ये बाजरा बाजरा है। ये चार प्रजातियां पांच इनकी पाई जाती हैं, कंगनी, कोदाय, कुटकी, सांबा, छोटी कंगनी। ये कोदाय जो है इसको शुगर फ्री चावल भी कहा जाता है। शुगर फ्री चावल मतलब कि ऐसे व्यक्ति को जिसको शुगर हो, बीमारी हो, तो वो भी इसे खा सकता है, मतलब ये उसमें भी बेनिफिट है। ऐसे आम चावल शुगर वाला व्यक्ति नहीं खा सकता। इसके और भी बड़े सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये हमारे दिल के लिए बड़े अच्छे होते हैं। जिन लोगों को दिल की बीमारी रहती है तो वो अगर ये अनाज खाएं तो बहुत बेनिफिशियल होगा उनके लिए। ये मधुमेह का रोग जो होता है लोगों को, उसमें भी बेनिफिशियल होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल हमारा जो बढ़ता है तेल वगैरह खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये उसमें भी फायदेमंद है। और ये हमारे पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। जैसे आपने सुना होगा बाजरा जो है उसकी रोटी कितनी जल्दी पच जाती है, आपने भी ये चीज सुनी होगी कि बाजरे की रोटी जो है पच जाती है। तो ये पाचन शक्ति भी हमारी बढ़ाते हैं और ये हमारे शरीर में को डिटॉक्स करते हैं। डिटॉक्स मतलब कि हमारे शरीर में कोई भी जहरीला तत्व होगा, हम ये जब ये खाने खाते हैं तो इससे हमारे शरीर के अंदर की सफाई होती है, डिटॉक्सेशन होती है हमारे। और ये इसमें विटामिन बी पाया जाता है, ये बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे हेल्थ के लिए। और धीरे धीरे अब ये लोग सारे अपना रहे हैं इनको। पहले ये हमारे ट्रेडिशनल फूड्स थे, पहले हम लोग इनकी रोटियां खाते थे, ज्वार, बाजरा, जौ जो है आजकल पैकेट्स में मिल रहे हैं, ज्वार बाजरा ये सब कुछ पैकेट्स में मिल रहा है। ये फिर से फूड ट्रेंड यही आ रहा है। एक्चुअली ये चीज़ें जो हैं आजकल बड़े हुए दामों में बेची जा रही हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ की, कई रोग जी हमारे ठीक करते हैं। My name is Siddhi and I am NSS volunteer and I am going to avail you about the health benefits of millet. Millet is a cereal grain. It is grown in the tropical and subtropical parts of India and it is beneficial for our health. It requires a temperature of about 26 to 29 degrees Celsius and it is grown at an elevation of 2100 meter. And now I am going to talk about the health benefits. Talking about, first of all, it is helpful for the bowel movements of stomach. And it helps to fight the diabetes. It cures second type of diabetes actually, and it is rich in antioxidants. It regulates our muscle growth and it is essential for our intestines. It detoxifies our body. So we should include millets in our daily diet. Thank you.